लॉर्डशिप इसमें तो हमको 50% मिला है लॉर्डशिप इसमें, बाकी पैसा अभी तक नहीं दिए और 15 साल हो गए। विथ इंटरेस्ट अगर देते तो पिछले इसमें भी कोऑर्डिनेट बेंच में ये डिस्कस हुआ था कि इसका पैसा लौटा देंगे करके। पर ये तो कोई डॉक्यूमेंट लेके आए जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्टिंग बता रहे हैं कि कुछ सामान वामान वो एक काम करेंगे हम मेडिटेशन में करेंगे दोनों को एक बार बुला लें क्या, क्या बोलते हो? यस सर, आदेश। नहीं, आप अपने पक्षकार को बुला लो या ये अपने पक्षकार को बुला लेते हैं जी, देखते हैं कुछ सेटलमेंट करा देते हैं। बहुत ज़्यादा होकर है तो बीच का कोई रास्ता निकाल देते हैं। पिछले बार ऐसे ही निकला था कि आपको उतना तो नहीं देंगे इंटरेस्ट का पैसा, बाकी आपको मूल रकम और कुछ और अधिक दे देंगे ऐसा। तो कोर्ट का व्यू था, कोर्ट का व्यू था, कोर्ट का व्यू ये था आ गया था कि इसका जो लेन देन बी क्लास सूट है और ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट के लिए वापस केस चालू हो जाएगा। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि सर 4127 जो डॉक्यूमेंट है उसको विचार करिए, तो उसके लिए लोअर कोर्ट भेजना पड़ेगा। हाँ वही तो, इसमें ये लोअर कोर्ट भेजने वाली बात आ रही थी। हाँ तो वही कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं यदि आपको भी मालूम है। देखिए आपके पुरस्कार को भी मालूम है कि उसने कितना कंस्ट्रक्शन में खर्चा किया है। जी जी जी, ईमानदारी से है जी, ना जी, जी। अब ठीक है, ठेकेदारी करता है तो सब थोड़ा मोटा तो सब करते ही है, कोई जी, जी, है। जी। लेकिन एक परमिसिबल लिमिट में होगा, एडजस्टमेंट के लायक होगा। पूछ लो अपने पक्षकार से कितना पैसा छोड़ना चाहता है, आगे मेडिसिन सेंटर में आ जाए। हम मेडिसिन मतलब हम आ जाएंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है मतलब कि ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे पति से हुआ था। अब सारे के डॉक्यूमेंट जो थे उनके बीच के लिए तो इस बीच में अचानक उनकी डेथ हो गई, तो हम डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए। तो इनको जो हमारा मकान बना के देना था वो सामान सहित बना के देना था और सब कुछ तय था। अब उसके में से आधा सामान यदि हम लाए हैं तो वो एडजस्ट होगा। वही तो, और पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया, इस कारण से हमारे फेवर में डिग्री मिली थी कंज्यूमर फोरम की। सब ये जो बता रहे हैं बिल जो दिए हैं लॉर्डशिप तो ओरिजिनल पेस नहीं किए ना, बोले हमने लगाया तो ओरिजिनल हम लोअर कोर्ट पेस करेंगे ना मैडम, इसीलिए अभी तो फोटो कॉपी दी है यहाँ पर, इसीलिए तो 4127 का आवेदन लगाए। जी जी जी, इसलिए इनको बिल की भी आप कॉपी दे दीजिए, इनको दे दिया। आप अपने पक्षकार को बोल लो कि उसमें वो कितना सही है क्या है वो एक बार बता दे, यानी ओरली बता दे, हम याद देख के फिर हम कुछ कर सकते हैं तो कर देंगे कुछ पैसा कम। जी सर, एडजस्टमेंट कर देंगे कि भाई आपके जो डिमांड है उसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा इनका एडजस्ट कर देंगे, दोनों को करके निपटा देते हैं। 65,000 तो मिल चुका है इनको, डिग्री जो मिली ना मैलट एक वास्तव में हमारे परसेंट मिला है। 65,000 इनको आपने जब स्टे दिया था तो 50% का ऑर्डर किया था, तो 50% ये इनको पहले ही मिल चुका है पहले। कितनी की डिग्री हुई थी? 1,30,000 की होनी, 1,00,000 कुछ हुआ था। और फिर क्या लोक अदालत में लगा देंगे तो इनका ये कोर्ट फीस का भी पैसा कुछ बच जाएगा। देखिए उसी हिसाब से कोर्ट फी लगाया मतलब 12,000 रुपये। मेरा ये निवेदन था मालूम कि इस मैटर में या तो 4127 में इंक्वायरी करने के लिए सर वहाँ भेज दीजिए, या अगर इसको रिमांड करके वहाँ से या तो फंडिंग मंगा लीजिए लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट में फंडिंग आपके पास दो पावर है मैडम, 4127 जो एप्लीकेशन हम अलाउ करते हैं मैटर पूरा मैटर रिमांड होता है, या फिर इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में 41 में जो और जो प्रोविजन है 25-23 उसके अंतर्गत इस पॉइंट पे फंडिंग मंगा सकते हैं हम। अच्छा, हाँ वो भी कर सकते हैं, फंडिंग मंगा सकते हैं क्योंकि यहाँ तो गवाही होगी नहीं। तो यदि एग्री करते हैं दोनों में से जिसमें भी, क्योंकि हमको सिद्ध करने का मौका चाहिए मैडम कि हम इनको पैसा दे चुके हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? हमारे हस्बैंड की डेथ हुई थी मैडम 11/2010 को डेथ हो गई थी, और 16/12/11 को डिग्री हो गई हमारे खिलाफ। 11/10 को डेथ हुई है, 11/2010 और 16/12/2011 को डिग्री हो गई है। करा लेते हैं, आपको देंगे भैया, आप तो करते हैं, देना होता तो अभी हमें।
दिया। प्रतिवादी क्रमांक दो कौन था इसमें? प्रतिवादी क्रमांक दो रितेश चतुर्वेदी। अच्छा, ये रितेश चतुर्वेदी इनका लड़का है मैडम? वो एक्सपर्टी हुआ है। हाँ, अब वो यहाँ रहता नहीं था मतलब उस समय पर, बाद में आने आ गया। इस केस में ऑर्डर शीट देखिए मैडम। हाँ, वो इसीलिए हम ऑर्डर शीट को देख रहे थे। ऑर्डर शीट देखिए कि किस प्रकार की स्थिति थी, कि केस चलने के दौरान डेथ हो गई। हाँ, अब उसके बाद में यद्यपि हमारे वकील साहब खड़े हो रहे थे, ठीक है, हमारे जो उनकी जो पत्नी है उनके पास में ये अपेक्षा करना कि वो डॉक्यूमेंट होंगे जो पति के नॉलेज में होते हैं डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट हम प्रेस नहीं कर पाए, इस कारण हमारे खिलाफ डिग्री हो गई है। अन्यथा हमने इनको पूरा पैसा दे दिया, बल्कि इन्होंने हमारा मकान अच्छा नहीं बनाया, ये हमारी शिकायत थी इनसे। यस, और फिर उस मकान को दूसरे से कंप्लीट करवाया। आपने अपनी गवाही कराई क्या? बट हमने गवाही कराई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं थे हमारे पास उस समय, क्योंकि मैडम एक अपेक्षा ये देखिए मैडम कि सारे अगर मकान बनते हैं तो कहाँ से बिल्डिंग मटेरियल लाना है, कौन व्यक्ति है, कौन मतलब सप्लायर है, कितना पैसा दिया गया, ये सारी नॉलेज सामान्य रूप से जो व्यक्ति मकान बनवाता है रहता है, जो पुरुष वर्ग होता है मतलब उसके नॉलेज में रहता है, ये मतलब हाउसवाइफ है ये, तो बाद में इनको सारे डॉक्यूमेंट मिले जब केस डिग्री हो गई। यस, एक बार यहाँ देखते हैं मीटिशन हमारे करके जी, उसके बाद उसके देखते हैं फिर इसको कर देंगे ना। आप बुला लीजिए भाई, बुलवा लो। आपके हिसाब से अपने पक्षकार को बता, बिल की तो कॉपी दे दी आपने ना? सब दे दिया, सब दे दिया। ये जो बिल्स हैं इसके बारे में क्या कहना है ये बातें? हाँ हाँ हाँ, ताकि इनको भी हो सकता है कि उनको भी गुड सेंस प्रिवेल करे, कि हो सकता है कि यहाँ सब इतना नहीं, वो ये एक्सप्लेन करेंगे ना कि ये जो आपने तमाल लाया था वो अपने मकान के लिए नहीं लाया। इसके रिप्लाई फाइल कर दो, रिप्लाई में आ जाएगा कि ये बिल झूठे हैं, फर्जी हैं। जब आप ऐसा बोलोगे तो फिर हमारे को भी कुछ। मेरा ये कथन है लॉर्डशिप कि जब ये जीवित थे पिटिशनर, उसके पहले भी ये पेमेंट का डिस्प्यूट हुआ था लॉर्डशिप, तो इसके कारण इनके ऊपर में एट्रोसिटी में इन लोग एक फाइल किया था हमारे पक्षकार ने। आपके पक्षकार एट्रोसिटी वाले? हाँ, हरिजन है। ठीक, और मैं चतुर्वेदी हूँ मैलट, तो हमने इसको भी फेस किया, वो भी बहुत परेशान किया मैलट। ये डिस्प्यूट पहले का ही है, ये बात का नहीं है। ठीक है, तो आप पहले तो जो ऑर्डर 41/23 का रिप्लाई दे दीजिए। जी ठीक है, उसमें दस्तावेज के बारे में जो कहना है एक बार बता दीजिए, तो फिर हमको और जी जी ठीक है ना, वैसा बता दीजिए। जी जी जी, अपने पक्षकार को बुला लीजिए जी, और अगर उसको यहाँ आप दोनों को बुला देते हैं, कुछ अगर समझौता हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो फिर हम सेट कर देंगे। जी जी ठीक, ऐसा करेंगे। कब बुलाएंगे? मेरे तो अभी आ जाएंगे, फोन करूँगा तुरंत आ जाएंगे। यस, मेरा अभी थोड़ा सा कम से 2-4 दिन का समय है। ठेकेदारी कर रहे अभी? हाँ, वो ठीक। हाँ ठीक है जी, और राइट, 10 अक्टूबर को बुला लीजिए। जी 10 अक्टूबर जी, मोशन एरिंग भी कर देना, लिस्ट इट ऑन मोशन एरिंग। इन द मीन टाइम फाइल रिप्लाई मैं कर।